बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर के इन दिनों तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से सुधाकर सिंह जो थे उन्होंने इस्तीफे की बातचीत भी कही थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि यहाँ सब कोई चोर, हर विभाग में चोरी चल रही है, लेकिन हम आए हैं तो अपने विभाग में चोरी नहीं होने देंगे। जिसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि बिहार कैबिनेट में यानी कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में खटपट चल रहा है, मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर के खटपट चल रहा है, लेकिन सुधाकर सिंह अपने बात को लेकर के अडिग थे। लोग कह रहे थे कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा, अपने विभाग में हो रही गड़बड़ियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर विभाग में चोरी हो रही है और चोरी जो है वो हम अपने विभाग में रोकेंगे। और अब सुधाकर सिंह ने, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि मंडी कानून फिर से लागू करने के लिए विभाग को पित पत्र लिखा है। बिहार सरकार में 2006 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। सुधाकर सिंह ने मंत्री पद संभालने के बाद दो मांगें रखी थी। पहला ये कि मंडी को फिर से शुरू किया जाए और दूसरा किसानों को अनाज के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए मल्टीपल एजेंसी का ऑप्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स के अलावा अन्य एजेंसियों से भी अनाज बेचने का ऑप्शन किसानों को देने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में जहां मंडियां खत्म हुई हैं, धान गेहूं मक्का का भाव गिरता चला गया, घाटे का कारोबार बढ़ता गया, सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे जाना जाए कि यह क्या हो रहा है, जबकि सरकार का यह दायित्व है कि वह इसका पता लगाए कि किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, यह प्राइमरी ड्यूटी है, सरकार के मंत्री या अफसर इसे कैसे जानेंगे, कोई बेसलाइन डेटा होना चाहिए। धीरे धीरे यह हालत हो गई है कि किसानों को अनाज की कीमत विनिमय में बहुत कम मिल रहा है, रोजगार का संकट भी पैदा हो रहा है। सुधाकर सिंह के अनुसार इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि पटना में अगर किसी के घर में शादी या कोई बड़ा आयोजन हो रहा है और सब्जी खरीदनी हो ज़्यादा मात्रा में तो मंडी जाना होगा, एक दो किलो तो ठेले वाले से भी ले लेंगे, मंडी में कई बार ऑर्डर भी करना पड़ता है, शाम तक हमें मिल जाए। पूरे एग्रीकल्चर में प्रोड्यूसर एग्रीमेंट, मंडी से प्रोसेसर और कंज्यूमर को भी फायदा होगा, लेकिन मंडी के ख़त्म होने पर भी किसी को फायदा नहीं हुआ। इसे प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में ठप होने लगी, ट्रेडर कच्चा माल लेकर बाहर जाने लगे। सुधाकर सिंह ने कहा कि ट्रेडर तो परसेंट का फ़ायदा लेकर बिहार से निकल गए, लेकिन बिहार को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रोजगार का सृजन बिहार में नहीं हुआ। यह समझना होगा कि मंडी से बड़ी कोई जगह नहीं है रोजगार देने के लिए। प्रदेश भर में मंडियों को चलाने के लिए 10,000 सरकारी नौकरियों तो सीधे जनरेट हो जाएंगी। स्थिति यह है कि मंडी नहीं रहने कारण बिहार में काफ़ी मात्रा में अनाज का रॉ मटेरियल बिहार से बाहर जा रहा है, वहाँ से अनाज तैयार होकर बिहार में आ रहा है, बिहार को कई स्तर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों में काफ़ी हताशा और निराशा का भी है मामला है। बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट मर गई है। तो इस तरीके से सुधाकर सिंह ने मंडी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार को पत्र लिखा है और लगातार वो मंत्रिमंडल में चोरी की बातचीत करते हुए वो फंस गए थे। वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हर विभाग में चोरी है, लेकिन इससे मंत्रियों को अपने विभाग में सुधार करना बहुत आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमने तो उनसे बातचीत भी की, करने की कोशिश की, लेकिन वो जो थे बातचीत नहीं सुने और उठ के चले गए। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके मंडी कानून वाले बात पर कितना अमल करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।